प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य से जुड़े करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी के रूप में नामित करने का फैसला किया था। संघीय जांच एजेंसी से मामले में दिल्ली के एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत के समक्ष एक नया आरोप पत्र या अभियोजन शिकायत दर्ज करने की उम्मीद है और अभिनेत्री को इसमें एक आरोपी के रूप में आरोपित किया जाएगा। इस मामले में जैकलिन का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें जैकलिन फर्नांडिस ने कहा कि मुख्य आरोपी सुकेश चंद्र से उपहार प्राप्त करने वाली नौरा फतेही और अन्य हस्तियों को गवाह बनाया गया है जबकि उन्हें आरोपी के रूप में घसीटने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने पीएलएमए के अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक याचिका में स्पष्ट रूप से कहा है कि आश्चर्यजनक है कि उनकी कुछ अन्य हस्तियों की तरह विशेष रूप से नौरा फतेही को भी मुख्य आरोपी चंद्रशेखर द्वारा 200 करोड़ के जबरन वसूली मामले में शामिल किया गया था। जैकलिन फर्नांडिस ने कहा कि मुख्य आरोपी सुकेश चंद्र से उपहार प्राप्त करने वाली नौरा फतेही और अन्य हस्तियों को गवाह बनाया गया है और उन्हें आरोपी क्यों। उन्होंने कहा कि इम्पंस्ड ऑर्डर के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का किसी अपराध से कोई संबंध नहीं है। जैकलिन ने कहा कि उन्होंने हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है और आज भी समन में शामिल हुई है। उन्होंने कहा उसने पूरी क्षमता से जानकारी ईडी को सौंप दी है। एजेंसियां इस बात को समझने में विफल रही हैं कि उनके साथ भी धोखाधड़ी की गई है, इस मामले में उन्हें शामिल किया गया है। जैकलिन ने कहा कि मुख्य आरोपी चंद्रशेखर द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों का वह शिकार हो गई है। जैकलिन का यह भी कहना है कि कुछ गिफ्ट्स मिलने की वजह से इस तथ्य को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि सुकेश ने मुझे भी धोखा दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से ईडी का रवैया काफी मैकेनिकल और प्रेरित लगता है, इसलिए वह इस सच के प्रति अंधे हो गए हैं कि मैंने जो खोया है उसे पैसों से नहीं तोला जा सकता और जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स ईडी ने जब्त किए हैं वो मेरी मेहनत की कमाई है न कि किसी ठग की। उन्होंने यह भी कहा कि सुकेश उन्हें पिंकी ईरानी के जरिए संपर्क करता था और खुद को सन टीवी का मालिक और तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता का भतीजा बताता था। जैकलिन का बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसे जबरदस्ती ठगा गया था और उक्त उपहार प्राप्त करने के लिए मजबूर किया गया था। इस तरह के उपहार प्राप्त करने वाले उनके अलावा अन्य लोगों को मामले में गवाह बनाया गया है और उन्हें आरोपी। ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में दायर अपनी हालिया सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का नाम आरोपी के रूप में लिखा है। फिलहाल तो जैकलिन इस मामले में बुरी तरह से फंस चुकी हैं। अब देखते हैं कि कोर्ट उनकी बात सुनता है या उन्हें सजा सुनाता है। इस मामले में आपकी क्या राय है, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।